हाय हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ हर्षिका एंड आज मैं आपसे डिस्कस करूँगी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज़ पढ़ाई आप सीरियसली कर रहे हो या सिंसियरली। पढ़ाई को सीरियसली करना एंड सिंसियरली करना दोनों में बहुत ही बड़ा डिफरेंस है। येस, मुझे ये डिफरेंस अब पता चला है तो मैंने सोचा कि ये थॉट मैं आपके साथ शेयर करूँ। तो पढ़ाई को सीरियसली करना एंड सिंसियरली करने में क्या डिफरेंस है? सी, जब आप पढ़ाई सीरियसली करते हो तो आपके दिमाग में क्या होती है, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई होती है, पढ़ाई 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 और कुछ भी नहीं है। लाइक यू आर क्रेजी, ठीक है? आप खाना भी खा रहे हो तो पढ़ाई है, आप खेल भी रहे हो तो पढ़ाई है, आप मतलब घूम भी रहे हो तो पढ़ाई है। मतलब वो क्या होता है, वो सीरियसली आपने पढ़ाई को एकदम अपने जहन में घुसा के रखा है कि आपको और कुछ नहीं दिखता, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई दिखती है। तो उसके कुछ डिमेरिट्स हैं, लाइक जैसे आप जो जिस मोमेंट में हो वो मोमेंट आप इंजॉय नहीं कर पाते, ठीक है? लाइक आपके जहन में सिर्फ पढ़ाई है, तो अगर आप घूमने भी चले गए तो वहाँ पे पढ़ाई पढ़ाई, अगर आप खाना भी खा रहे हो तो पढ़ाई, तो वो भी जो एक पल होता है ना, वो भी आप नहीं जी पाते। और ऑब्वियसली बात है, जब आप सिंसियरली अगर आपने चेयर टेबल पर बैठ के पढ़ाई नहीं कर रहे हो या फिर एक शांत एकांत माहौल में पढ़ाई नहीं कर रहे हो, तो वो पढ़ने का भी कोई मतलब नहीं निकलता है, ठीक है? तो वो हो गया एक सीरियसली पढ़ाई करना कि हाँ हम बहुत ही सीरियस है। आप इसको थोड़ा सा लाइक शो ऑफ भी कह सकते हो कि हाँ पढ़ाई का एक शो ऑफ हो रहा है, आसपास के जो लोग हैं वो देख रहे हैं कि यस यू आर सीरियस इन योर स्टडीज़। एंड सिंसियरली क्या होता है पढ़ाई? सिंसियरली आप पढ़ना बहुत मजा आता है, सिंसियरली जो लोग पढ़ते हैं वो बहुत ही आगे जाते हैं। एंड सिंसियरली कैसे पढ़ाई की जाती है? सिंसियरली पढ़ने का मतलब ये होता है कि लाइक मेरा एक दिन में 5 घंटे का टारगेट है, ठीक है? 5 घंटे अब आपको मिलते हैं 24 घंटे दिन में, ठीक है? 5 घंटे आपको पढ़ने का टारगेट है, बाकी तो 19 घंटे अब आपके हुए। अब लाइक आप 1 घंटे घूमने चले गए फ्रेंड्स के साथ, आपने किसी से बात कर ली और आप सो रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, आप मूवी देख रहे हैं, बट एट द एंड आपको ये पता है कि मुझे 5 घंटे पढ़ना है। या तो आप कैसे भी आप उसको मैनेज करते हो, आपको 5 घंटे मतलब ये पता होना चाहिए कि हाँ मुझे 5 घंटे देने हैं तो देने हैं एनी हाउ। जब तक आपके 5 घंटे नहीं होंगे तो आप नहीं सोएंगे या फिर फ्रेंड से नहीं बात करेंगे, नहीं ये करेंगे वो नहीं करेंगे। मतलब ये होता है कि आपने सिंसियरली पढ़ाई की है। अगर आपने गोल बना रखा है कि मैं दिन में 6 घंटे पढ़ूंगा तो आप 6 घंटे पढ़ते हो एंड उसके बाद मस्ती से अपनी लाइफ इंजॉय कर रहे हो, आप खेल भी रहे हो, आप गाने भी सुन रहे हो, आप फैमिली को भी टाइम दे रहे हो, आप घूमने भी जा रहे हो, आप मूवी भी देख रहे हो। तो ये बहुत ही बड़ा डिफरेंस है पढ़ाई को सीरियसली करना एंड सिंसियरली करना। एंड मैं बता दूँ मेरा जो एक्सपीरियंस है लाइफ का, मतलब कि पढ़ाई को सीरियसली और सिंसियरली, सी दोनों ही बहुत ही अलग लेवल का है, बहुत ही अलग लेवल का है। एंड आपको समझना पड़ेगा कि यू आर सिंसियर और सीरियस, सीरियस होना और सिंसियर होना दोनों में बहुत ही बड़ा डिफरेंस है, ठीक है? एक आप कह सकते हैं कि जब आप सीरियस होते हैं किसी चीज़ को लेके तो बहुत ही ज़्यादा माइंड में प्रेशर जाता है, आपकी ओवर थिंकिंग होती है, बहुत ही ज़्यादा ओवर थिंकिंग होती है, एंड जिसकी वजह से जो आप काम करना चाह रहे हो वो भी नहीं हो पाता एंड जिस मोमेंट को आपको इंजॉय करना चाहिए वो भी नहीं हो पाता। तो लाइफ लाइक हम लोग जो लाइक इसके जो स्टूडेंट होते हैं, मैं बता दूँ आप तो फिलहाल आई एम मैरिड, तो बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं, तो आई एम नॉट सीरियस, आई एम ओनली सिंसियर। बट बताऊँ जब मैं जैसे लाइक जब मैंने इंटर पास किया एंड जब मैं फाइनल की पढ़ाई कर रही थी, तो मैं बता दूँ कि मैं भी सीरियस टाइप की गई थी। मतलब बहुत ही ज़्यादा पढ़ाई को सीरियसली लेना, कभी दोस्तों से नहीं मिलना, घूमने नहीं जाना, दिस दैट कुछ भी नहीं करना। बट अब जो जब से शादी हो गई है तो मैं पढ़ाई में सिर्फ और सिर्फ सिंसियर हूँ। सीरियसली मैं बिल्कुल भी नहीं, मैं नहीं कहूँगी कि मैं बहुत ज़्यादा सीरियस हूँ, मैं पढ़ाई को एकदम दिन भर पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, क्योंकि अब हो भी नहीं पाएगा। वो टाइम कुछ और था कि हाँ जब मैं अकेले रहती थी, हॉस्टल्स में रहती थी, तो हाँ आप अगर सीरियस भी थे पढ़ाई पे तो कुछ किसी को फ़र्क भी नहीं पड़ता था। बट अब मेरी फैमिली है, अगर मैं इतना सीरियसली अगर सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई करूँगी तो उनकी भी लाइफ में अफेक्ट होगा, फिर मेरी बेबी की भी लाइफ में अफेक्ट होगा। तो नाउ मैं सिंसियर हूँ पढ़ने में। हाँ सीरियस मैं नहीं कहूँगी कि मैं हर टाइम पढ़ाई पढ़ाई नहीं करती हूँ। यस, अगर जब टाइम जब कुछ काम आ जाता है तो मैं वो भी देखती हूँ एंड जब टाइम मिलता है तो पढ़ाई भी करती हूँ। लाइक ये जो चीज़ें हैं ना आपके लाइफ में बहुत ही ज़्यादा बड़ा इंपैक्ट डालते हैं, मतलब आप सीरियस हो कि सिंसियर हो, ये बहुत ही बड़ा इंपैक्ट डालते हैं आपके रिजल्ट में। मैं बता दूं कि मेरा जो सीए फाइनल का मतलब एग्जाम निकला हुआ है, सीए फाइनल ग्रुप वन, वो मैंने शादी के बाद निकाला एंड आई वॉज ओनली सिंसियर। मैं सीरियस बिल्कुल भी नहीं थी, बिल्कुल भी नहीं थी, अब मैं सिर्फ सिंसियर थी। और मुझे लग रहा है कि जो मेरे प्रीवियस अटैम्प्ट लगे हैं, इतने मल्टीपल अटैम्प्ट लगे हैं, उसकी वजह एक ये भी हो सकती है कि उस समय मैं बहुत ज़्यादा सीरियस थी। मैं इतना ज़्यादा मतलब आप कह सकते हैं फोबिया भी टाइप का कह सकते हैं, एग्ज़ाम का फोबिया भी जैसे बच्चों के अंदर होता है कि हाँ अगर नहीं पढ़ा तो फिर एग्ज़ाम में क्या लिखूंगी, कैसे होगा, क्या होगा, दिस दैट। तो ये बहुत ही बड़ा इंपैक्ट डालता है। मतलब इवन मेरी शादी हुई एंड शादी के बाद का जो अटैम्प्ट था नवंबर, उस अटैम्प्ट में मैंने सीए फाइनल का ग्रुप वन क्लियर किया है। तो सो जितने भी सीए फाइनल के स्टूडेंट हैं उनसे मेरा सिर्फ इतना सा ही कहना है कि आप जो है वो पढ़ाई में आप सिंसियर रहो, आप अपनी लाइफ को भी इंजॉय करो, क्योंकि एक बार ये फेज़ निकल जाता है ना जो हम लोग इस फेज़ में होते हैं, 24-25 साल के फेज़ में होते हैं, एक बार ये फेज़ निकल जाता है तो फिर दोबारा नहीं आता, ठीक है? तो पढ़ाई को आपको सीरियसली नहीं करना है, सिंसियरली करना है। सिंसियरली का मतलब आई थिंक मैं आपको समझा पाई हूँ कि सीरियसली एंड सिंसियरली में क्या होता है। सीरियसनेस जो होता है वो जस्ट लाइक अ शो ऑफ है कि आप पढ़ाई लिखाई कुछ कर नहीं रहे हो, बट जहाँ बैठे हो 4 लोगों के बीच हाँ मुझे पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना है दिस दैट एंड, तो वो क्या होता है ना 4 लोगों के बीच में एक माइंड में जाता है कि ओह
वो पढ़ाई करनी है तो फिर आप पढ़ाई कर लेते ये वो, एंड सिंसियरली क्या होता है आप चार लोगों के बीच में हो, ठीक है, आप उनसे भी अच्छे से इंटरेक्ट कर रहे हो, उनसे भी अच्छे से बातें कर रहे हो एंड यू आर सिंसियर। आपको पता है कि जब हम यहाँ से घर जाएंगे तो मुझे 4 घंटे पढ़ाई करनी ही है, जो भी आपका शेड्यूल हो, 4 घंटे, 6 घंटे, 8 घंटे, क्योंकि दिन में तो 24 घंटे होते हैं। अगर आप 8 घंटे भी पढ़ाई करोगे तो 16 घंटे आपको मिलते हैं, एंड 16 घंटे में अगर आप 8 घंटे भी सोते हो देन आपके पास 8 घंटे होते हैं, तो यू हैव इनफ टाइम कि आप मैनेज कर सकते हो चीज़ों को कि, एंड आपको कैसे मैनेज करना है ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो बिल्कुल भी सीरियस होने की जरूरत नहीं है, ओवर थिंकिंग करने की जरूरत नहीं है कि क्या होगा, कैसे होगा, दिस डैट। आपने एक प्लान बना लिया, बस आप उस प्लान पे चलते जाओ, स्टिक रहो कि हाँ मुझे ये प्लान जो मैंने ड्राफ्ट किया है मुझे इस पे काम करना है, मुझे इस पे वर्क करना है एंड मुझे आगे बढ़ते रहना। तो जब आप आगे बढ़ते रहोगे तो आपको पता चल जाएगा कि यस आपने क्या किया है, बहुत ही बड़ा काम कर लिया। मतलब जब हम सोचते हैं ना कि एक एक स्टेप चढ़ेंगे और वहाँ तक सीढ़ी पर पहुँचना है तो फिर बहुत बर्डन लगता है, बट जब आप एक एक चढ़ते जाओगे एंड आप टॉप पर भी पहुँच जाओगे तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि यस कि यू रीच द टॉप। तो आपको यही करना है, अपनी पढ़ाई को सिंसियरली करना है, सीरियसली बिल्कुल भी नहीं करना है, स्ट्रेस नहीं होना है, टेंशन नहीं लेना है, टेंशन फ्री होकर पढ़ाई करो। जब आप टेंशन फ्री होकर पढ़ाई करोगे तभी आपने जो चीज़ें पढ़ी हैं वो आपके दिमाग में डायरेक्ट क्या कहते हैं ना, वो फिक्स हो जाएंगी। उसका एक अपना सबकॉन्शियस माइंड में तो हमेशा सब कुछ रहता है जो आप पढ़ते हो, बट एकदम होता है ना कि पक्का हो जाना, तो वो अगर आप टेंशन लेके पढ़ोगे तो नहीं होगा। टेंशन फ्री करोगे तो यस वो चीज़ें हो जाएंगी। तो जितने भी सीए फाइनल के स्टूडेंट हैं जिनके एग्जाम्स हैं, जो सीए फाइनल हो, सीए एंटर हो, सीए फाउंडेशन हो, जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, वो पढ़ाई को अपने सिंसियरली करिए, अपना एक टारगेट बनाइए एंड टारगेट को अचीव करिए, एंड टारगेट को बहुत ही लेंथी नहीं करना है। अगर आपकी कैपेसिटी दिन में 6 घंटे पढ़ने की है तो प्लीज़ डोंट मेक द टारगेट फॉर 8 आवर्स, 8 घंटे का बिल्कुल भी टारगेट मत बनाइए, इससे आप क्या होंगे, डीमोटिवेटेड होंगे। अगर आपकी कैपेसिटी 5 घंटे की है तो आप 5 घंटे का ही टारगेट बनाइए, 10 दिन, 15 दिन, आप 1 महीने करोगे दिन आप उसको 5 से 8 घंटे कर लो, स्ट्रेच कर लो, बट स्टार्टिंग में अगर आप 4 घंटे से ज़्यादा नहीं बैठ सकते तो प्लीज़ 6 घंटे का टारगेट बिल्कुल भी मत बनाइए। इससे आपका क्या होता है ना, माइंड में एक गलत इंपैक्ट जाता है कि यार मैंने तो आज ये टारगेट कंप्लीट नहीं किया, कल के लिए आप डीमोटिवेटेड हो जाओगे। अगर आप 4 घंटे का ही टारगेट बनाओगे एंड आपने अगर 4.5 घंटे पढ़ाई कर ली तो आपको कितनी खुशी होगी, वाह मैंने अपने टारगेट से ज़्यादा कर लिया, बोनस टाइप का हो गया है ना। तो आपको इंसेंटिव भी मिलना चाहिए, आप बाहर घूमने चले जाओ, कहीं भी निकल जाओ, तो ये सारी चीज़ें। तो अपना टारगेट जो है वो आप अच्छे से फिक्स करो, आपकी जो कैपेसिटी है। ऐसा नहीं है कि सीए फाइनल्स के जो बच्चे हैं वो 8-8 घंटे पढ़ाई करते हैं तो हमको भी 8 घंटे करना है, 10 घंटे करना है, 15 घंटे करना है, उससे कम नहीं होगा। आपकी अगर कैपेसिटी सिर्फ 6 घंटे की है तो आप 6 घंटे पढ़ो, बट जो पढ़ो सॉलिड पढ़ो, अच्छे से पढ़ो। पक्का है आप 100% सिलेबस नहीं कवर कर पाओगे बट 80% करोगे एंड 80% सॉलिड करोगे तो एकदम 110% श्योर है कि आपका क्लियर हो जाएगा। तो अपने गोल्स को जो है बहुत ही क्लियर रखिए, 6 घंटे पढ़ने हैं, 5 घंटे पढ़ने हैं, 4 घंटे पढ़ने हैं, उस पर एकदम क्लियर रहिए एंड अच्छे से पढ़ाई करिए, बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लेना है। एंड यस जो मैंने बोला है आप अपनी पढ़ाई को सिंसियरली करेंगे, बिल्कुल भी सीरियस नहीं होंगे। जब भी आप सीरियस होंगे तभी कोई ना कोई दिक्कत होगी। तो अगर आप सीरियस नहीं होते हो एंड पढ़ाई को अच्छे से करते हैं तो आपका डैम श्योर कि हाँ निकल जाएगा। आई होप कि जो थोड़ा बहुत पॉइंट्स थे वो मैं आपको क्लियर कर पाई हूँ एंड आपको समझा पाई हूँ कि हाँ पढ़ाई आपको कैसे करनी है, सीरियसली नहीं सिंसियरली करनी है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा एंड इफ कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कॉमेंट सेक्शन पर पूछ सकते हैं। थैंक यू।